हेलो एवरीवन, बॉलीवुड मैटनी वाले में आपका स्वागत है। मैं आपका होस्ट फिल्मी सिकंदर। दोस्तों, केआरके चीचा, जी हाँ दोस्तों, आपको बता दूं कि केआरके चीचा जिस तरीके से गदर 2 को लेके नेगेटिविटी फैला रहे थे, मतलब कि उनका कहने का मतलब था कि ये मूवी ज़्यादा धमाका नहीं करेगी वगैरह वगैरह, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर अच्छी खासी कमाई कर रही है। बोले तो यार ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हो गई है दोस्तों। गदर 2 सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई है पठान के बाद दोस्तों। तो गाइस, अब बातें करेंगे हम केआरके चीचा ने क्या ट्वीट्स किया है। देखो, उन्होंने कहा है जितने भी कलेक्शन आ रहे हैं गदर का, वो फेक कलेक्शन है, जो कि प्रोड्यूसर जो मेकर्स हैं वो फेक कलेक्शन बता रहे हैं। तो देखो दोस्तों, अभी केआरके चीचा यार पता नहीं रात को क्या खा के सोते हैं और सुबह उनके दिमाग में क्या चीज़ आ जाता है। वो फट सा सुबह उठ के सुबह सुबह ही यार मॉर्निंग एकदम जैसे कि 7-6 बजे ट्वीट्स मार देते हैं यार, और उन्होंने कर दिया कि यार फेक कलेक्शन है गदर 2 का। यार वैसे तो यार पठान को भी फेक कलेक्शन कह रहे थे कि फेक कलेक्शन है, लेकिन प्रोड्यूसर को क्या फ़ायदा फेक कलेक्शन बता के, नुकसान तो उनका ही है ना यार। मान लो कि अगर मूवी 15 करोड़ कमाती है, आप उसको 30 करोड़ बोलते हो, तो नुकसान किसका 15 करोड़ का, भाई प्रोड्यूसर का है। मानता हूँ कि पब्लिक के नज़र में यार वाह वाह हो जाएगा, लेकिन नुकसान तो प्रोड्यूसर का ना। और देख रहा है यार गर्दी दिख रही है थिएटर में, थिएटर्स में हॉस्पिटल चल रहे हैं, जिस तरीके से ऑडियंस दिख रही है, तो जाहिर सी बात है यार कलेक्शन आ रही है। तो केआरके चीचा जो बोल रहे हो ना फेक कलेक्शन, आपकी बातों से मैं एग्री नहीं करता हूँ। देखो, गदर 2 का जो मूवी का कहानी या स्टोरी है, मानता हूँ कोई एवरेज ही है, बट जिस तरीके से ऑडियंस उस मूवी के लिए उत्साह है दिखा रही है, थिएटर में जाके मूवी को देखी यार, पब्लिक को पसंद आ रही है। सनी पाजी को देखने जा रहे पब्लिक, भाई गदर नाम ही काफ़ी है। तारा सिंह को देखने जा रहे हैं, सकीना को देखने जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कलेक्शन तो आएगी ना दोस्तों। तो गाइस, केआरके चीचा तो हवा में बोलते हैं यार, इनका बातों का क्या सीरियस लेना, उनका तो काम ही है हेड फैलाना, और हेड फैला रहे हैं, फेक कलेक्शन बता रहे हैं गदर को। हालांकि आपको बता दूं कि यार गदर 2 अभी 300 करोड़ कलम में एंट्री होने वाली है, बहुत जल्द 1-2 दिन में हो ही जाएगी, उसके बाद 400 कलम में एंट्री के लिए रन करेगी। लेकिन केआरके चीचा को जलन हो रही है कि यार हम इस मूवी की जो नेगेटिविटी कर रहे थे वो खड़ी नहीं उठ रही। जिस तरीके से वो सोच रहे थे कि यार ये मूवी कहीं ना कहीं पिट जाए, वो पिटी नहीं। अगर पिट जाती तो फिर तो भाई केआरके चीचा के लिए दिवाली, तभी तो डेली दिवाली जश्न ईद सब मनाते वो, बट नहीं हुआ ऐसा दोस्तों। और गदर तूने बोलती बंद कर दी केआरके अंकल की दोस्तों। खैर जो भी हो, बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर चुकी है, सनी पाजी इज बैक, 90s का दौर वापस लिया है सनी पाजी ने, बस बॉलीवुड चल रही है, हम लोग भी चलेंगे दोस्तों। बस इतना ही, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और आपकी क्या राय है केआरके के ट्वीट्स का, ये भी आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय महाराष्ट्र।